तो स्क्वाड एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, और आज हम जिस टीम के बारे में बात करने वाले हैं वो है बांग्लादेश, जो कि एशियन टीम की, एशियन कह सकते हैं कॉन्टिनेंट की एक और बेहतरीन टीम, जो पिछले कुछ सालों में, एक दशक में कह ले तो बहुत ऊपर चढ़ी है। क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप अगर आप देखें और तो वहां से बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, लेकिन बांग्लादेशी टीम ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आई है, जहाँ पे 2015 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, वहां पे भारतीय टीम ने हराकर बाहर किया। और 2019 में साकिब अल हसन का जिस तरीके से परफॉर्मेंस आता है, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप रहा उनके लिए, और एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। और क्या इनकी कमजोर है और क्या इनकी मजबूत पक्ष है, उस पर बात करेंगे, और कहां तक जाती हुई नजर आ रही है टीम। सबसे पहले दीपक, स्क्वाड एक बार बता दीजिए, क्या स्क्वाड? तो यहाँ पर स्क्वाड की बात करें तो यहाँ तंजीद हसन है, लिटन दास है, नजमुल हसन संतो है, साकिब अल हसन है, मुशफिकुर रहीम है, तौजीद हिरदोए है, महमूदुल्ला है, मेहंदी हसन मिराज, तंजीम हसन, शाकिब हसन, महमूद, नसूम अहमद, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और सौरफुल इस्लाम। यानी मतलब अगर इस स्क्वाड को अगर देखें दीपक, तो मतलब ये है ना कि दूसरी टीमों पे अगर आप नजर डालें तो अश्विन को अगर निकाले तो किसी भी टीम के पास प्रॉपर ऑफ स्पिनर नहीं है, लेकिन अगर इस टीम पे नजर जाती है तो दो दो प्रमुख इनके ऑफ स्पिनर है जो प्लेइंग 11 में लगातार खेलते हुए आ रहे हैं, दो मेहदी हसन मिराज और मेहदी हसन। तो एक तरीके से कह सकते हैं स्पिन जो तिकड़ी है ना, जो एक अफगानिस्तान की है, जहां पे राशिद खान, नबी और मुजीबुर रहमान, वहीं इनके पास मेहदी हसन मिराज और साकिब अल हसन। तो ये इनके पास थोड़ा सा कह सकते हैं मजबूत पक्ष है इनका। और वहीं अगर बात करें बल्लेबाजों की तो लिटन दास है वहां पे, सांतो जिस तरीके से एशिया कप में खेले थे, अगर उसी तरीके के वर्ल्ड कप में खेल गए तो ये रहेगा कि इनके लिए बेहतर होगा। लेकिन वही है कि कौन, मतलब लिटन दास के साथ कौन, क्या मोहम्मद नईम आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, क्या वहां पे सांतो नजर आएंगे ओपनिंग करते हुए, तो ये भी एक तरीके से है ना कि कौन को, तंजीद हसन एक तरीके से युवा है जो अच्छी बल्लेबाज भी आ सकते हैं, मतलब ये है मेहदी हसन मिराज अच्छे विकल्प भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर टीम की जो, जैसे अभी आपने कह रहे थे ना कि ये टीम का पिछले कुछ समय से परफॉर्मेंस जो है वो ऊपर की ओर ही गया है, लेकिन वो होता है कि लगातार टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, नहीं कंसिस्टेंट, कभी कभार होता है कि इंग्लैंड को हरा देती, भारत को हराने के बहुत करीब आ जाती है, एशिया कप में हरा दिया, आप देखिए एशिया कप में हरा दिया, ये टीम जब बांग्लादेश दौरे पर गई थी वनडे सीरीज, वनडे हम हार गए थे वहां पर, तो ऐसा कई बार हुआ है कि ये टीम यहाँ पर काफी इसने प्रभावित किया है सभी को, और इस टीम ने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस भी दिए हैं, लेकिन वही होता है ना कि कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, कभी कभार एक बड़ी टीम को हरा देती है, लेकिन भी होता ऐसा है कि ठंडे जिम्बाब्वे से हार जाती है टीम, वही थोड़ा सा हेड के साथ, क्योंकि खिलाड़ियों की बात करें तो नो डाउट बहुत कम, यानी कह सकते हैं बहुत कम टीमों में एक तरीके से हैं जो उन्होंने 2007 वर्ल्ड कप खेला, 2011 वर्ल्ड कप खेला, 15, 19 और अब 23 खेलने वाले हैं। साकिब अल हसन की बात कर रहा हूं मैं और मुशफिकुर रहीम की बात, दो ऐसे खिलाड़ी जो 2007 वर्ल्ड कप से खेल रहे हैं आप समझ। और यहाँ पर शाकिब अल हसन का तो पुराना जो पिछला वर्ल्ड कप था वो तो मतलब काफी अच्छा गया था, बहुत अच्छा, मतलब एक तरीके से तीसरे नंबर पर तो फिक्स लग रहे थे एक तरीके से कि वहां पर, लेकिन समझ लीजिए फिर भी अगर देखिए ना टीम में कितनी कमी है कि उनका वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट था, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन थे, रन बनाने में सबसे आगे थे वो, तब भी वो टीम मतलब वही आगे नहीं पहुंच पाई क्योंकि साथ नहीं मिल पाया। लेकिन टीम में बात करें तो बल्लेबाजी तो काफी अच्छी है, लिटन दास बल्लेबाजी अच्छी है, वही है मिराज है, इन्होंने काफी प्रभावित किया है, इस बीच में नंबर 7 पर आ जाते हैं, ओपनिंग भी कर लेते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल लेते हैं। बाकी इस टीम की अगर बात करें गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में भी इसमें मजबूती है, खासकर फास्ट गेंदबाजी में, बिल्कुल, वहां पर सौरफुल इस्लाम है, यहाँ पर लेफ्ट आर्म सीमर है और मुशफिकुर रहमान है, वहीं अगर बात करें तो तस्कीन अहमद है, तीन मतलब प्रॉपर एक तरीके से, इबादत हुसैन भी अगर होते वहां पे तो बहुत बेहतर होता इनके लिए, क्योंकि इबादत हुसैन जिस तरीके की गेंदबाजी लगातार कराते हुए आ रहे थे वो उनके लिए बेहतर होता, लेकिन इबादत हुसैन का मिस होना वो एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा सा इनके लिए माइनस पॉइंट है। लेकिन फिर भी टीम की जो गेंदबाजी है उसमें तस्कीन अहमद है, सौरफुल इस्लाम है और यहाँ पर रहमान है, तो इस टीम की गेंदबाजी थोड़ा मजबूत दिख रही है, बिल्कुल, क्योंकि वही है कि मतलब करना पड़ेगा डिलीवर, क्योंकि स्पिन में आपकी तिगड़ी हो गई और फास्ट बॉलिंग में ये आपकी तिगड़ी हो गई, जहां पे साकिब अल हसन निकले ऑलराउंडर नजर आएंगे। लेकिन अगर इसके माइनस पॉइंट की बात करें, कमजोरियों की बात करें, तो जिस तरीके से तमीम इकबाल का अनप्रेडिक्टेबल है, और एक तरीके से तमीम इकबाल अगर रहते, क्योंकि जिस तरीके से उनका ये 3-4 महीना गुजरा है ना, पहले रिटायरमेंट लेते हैं, वापस आते उसके बाद शेख हसीना के कहने पर वापस आते हैं, प्रधानमंत्री के कहने पर, और वापस आने के बाद भी पूरी तरीके से फिट नहीं होते, एशिया कप नहीं खेलते हैं,
और उसके बाद जिस तरीके से देखे तो वर्ल्ड कप की जब टीम आती है तो उसमें भी नहीं होते हैं, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनके लिए माइनस पॉइंट की अगर वो रहते तो अनुभव देख लीजिए ना, मतलब विकेट कीपर वर्ल्ड कप वो भी वही, मतलब महमूदुल्ला, साकिब अल हसन, लिटन दास, एक तरीके से थोड़ी सी टीम मतलब नजर आती है। अगर कागज में देखोगे आप तो टीम काफी मतलब लगता है मजबूत टीम है, बड़े बड़े नाम है, काफी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है इसमें, लेकिन वही बात है कि वो डिलीवर नहीं कर पाते, थोड़ा सा बिल्कुल वो थोड़ा सा टीम को मजबूती प्रदान करते। कहां तक देख रहे हैं आप दीपक, मतलब इस टीम को लग रहा है कि चलिए कि मतलब चार तक तो मुश्किल है, पांचवें छठे सातवें नंबर पर आप कहां देख रहे हैं दस टीमों में, मतलब रैंकिंग के हिसाब से रैंकिंग में अगर बात करें तो ये दस नंबर में मुझे लगता है कि कहीं आठवें नौवे में फिनिश करें, आठवें नौवे पर फिनिश। हाँ मतलब क्योंकि अफगानिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, श्रीलंका को भी वार्म अप मुकाबले में हराया उन्होंने, और जिस तरीके से बल्लेबाज है तो नो डाउट अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो ये था बांग्लादेश स्क्वाड एनालिसिस, अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको कहां लगता है कि कौन से रैंक पे बांग्लादेशी टीम ठहरती हुई नजर आ रही है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।